सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी की चूरी। उसके लिए मैंने ये आटा लिया है, खालस गंदम का मैंने आटा लिया है 3 कप, और आधा कप मैंने देसी घी लिया है, और 3 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं। अब हम आटे को गूंदना शुरू करते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी के डालने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पानी लेंगे। पानी से आप इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक इसको गूंदना है। ये हमारा आटा जो वो तैयार हो गया। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। इसके हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। अब हम रोटी को बेल लेंगे। चूरी के लिए हमने 2 रोटियां तैयार कर लेनी है। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी चूरी के लिए रोटी तैयार है। अब हम इसकी रोटी चूरी बनाते हैं। रोटी को गरम गरम इसकी चूरी तैयार करें। ठंडी रोटी की चूरी कभी ना तैयार करें। अब हम इसमें चीनी और घी डालेंगे।
ये हमारी जो चूरी है वो तैयार है। बस इसमें मैंने 3 चम्मच चीनी के डाले हैं और 5 चम्मच मैंने घी के डाले हैं, देसी घी डाले हैं इसमें। और मज़े की चूरी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी देसी घी की चूरी तैयार है। हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। मम्मी बाप करो, बाप करो, बाप करो।